still it's good morning, I can say that. So now we have session 2 and name of the session is Digital and Social Marketing. And for conducting session, we have guest Mr. Keshav Upadhye. Currently, he is a spokesperson BJP Maharashtra for more than 10 years. And last 18 years, he is working as a full-time worker with BJP. He started his career from Solapur as an ABVP worker at his college days and then completed his journalism from renowned Ranade Institute, Pune. After that, he entered into the journalism field with Solapur Dainik Tarun, Pudhari at Pune and Tarun Bharat, Mumbai. He is also a regular writer and columnist at various newspapers. He has worked with the Rambhau Malgi Prabodhini for Naxalism issue in Chhattisgarh. Other than that, he is a founder president of Mitra Foundation, working at different tribal areas in Maharashtra, where they are focusing on water and medical issues. He was closely associated with late Gopinathji Munde. He worked with Gopinathji for more than 15 years also. So without wasting time, I want to invite Keshavji for our session. Thank you. Namaskar. लगभग MIT में मेरा तीसरा चौथा सेशन है आज, अगर महेश जी मैं सही हूं तो, और एक MIT से एक लगभग एक जुड़ा हो चुका है. और जब भी यानी कि जो आज मुझे सचमुच बताया तो मुंबई में एक BJP का एक मीटिंग थी, लेकिन फिर भी जैसे MIT का इनवाइट आया तो मेरा काम वहां का छोड़ के मैं यहाँ आया. महेश जी और सारे लोगों का जो एक आपने भी महसूस कर रहे होंगे, जो एक जिस प्रकार के वो सारा सेशन कंडक्ट करते हैं वो एक अलग तरीके से होता है और निश्चित आपको इसका फायदा होगा. जिस सेशन पे जिस पे हम बात करने जा रहा है, हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल हो कि जिसमें हम 24 घंटा आजकल रहते हैं उस पे ये व्यक्ति अलग क्या बात रखेगा, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप और बाकी सारे सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्रकार के जो हथियार है वो तो हम सारे यूज करते हैं, ये अलग आज क्या मिलेगा. मैं ये सेशन का सोच रहा था तब मुझे एक बात याद आई, 1865 की बात है. 1865 में अब्राहम लिंकन की, तब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे, उनकी हत्या हुई थी. लेकिन ये जब हत्या हुई तो ये हत्या की खबर लंदन में पहुंचने के लिए उस समय 12 दिन लगे. यानी आप उस समय भी ये दोनों कंट्रीज एक प्रगत देश माने जाते थे, फिर भी वहां एक समय कोई इंपॉर्टेंट है तो कोई इंपॉर्टेंट तो ये समय 12 दिन लगे. और आपने कल की या सुबह की बात अगर हम करें तो सुबह मुंबई में कितनी बारिश हुई ये भी आपको पता चल गया होगा. या कल नरेंद्र मोदी जी ने वो बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन किया, आपको कुछ सेकंड में आपके यहाँ फोटो आए, कुछ लोगों ने फॉरवर्ड कुछ कमेंट करके किए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ से कमेंट किए होंगे. तो इंफॉर्मेशन का स्पीड कितना बड़ा है. सोशल मीडिया का हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि कितने स्पीड से हम इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रहा है. ये सबसे बड़ा पिछले 3-4 सालों में हुआ ट्रांजैक्शन है. ऐसा माना जाता है, अगर समझो हम इस जग एक इस वर्ल्ड की 3-4 क्रांति बताए, पहली क्रांति हुई थी, ऐसा माना जाता है कि उस इंजिन वाफे से इंजिन तो अपन काय म्हणतो इंजिन, स्टीम का इंजिन का पहले क्रांति वो मानी जाती थी, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज को हुआ, जिसका उन्होंने फायदा उठाया और वो आगे बढ़े. दूसरी क्रांति आई जिसमें माना गया कि ऑयल, क्रूड ऑयल जो आज बहुत
कल चर्चा का विषय है, कल तो मैं एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट चर्चे में था, पेट्रोल की प्राइस बढ़ी कितने होने वाली है, वो भी सवाल आपके आपके भी मन में होगा वो सवाल। तो वो दूसरी, जब क्रूड का ऑयल का जब संशोधन हुआ, वो माना जाता है कि दूसरी क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति, उसका फायदा अमेरिका और बाकी सारे देशों को हुआ। इसके बाद एक तीसरी क्रांति आई ऐसा माना जाता है, वो 1970 के करीब, जिसमें प्रिंटिंग और बाकी सारे चीजों बड़े मल्टी एक मास प्रोडक्शन के स्वरूप में काम शुरू हुआ, जिसका फायदा चाइना, जापान, कोरिया जैसे कंट्रीज ने लिया। अब चौथी क्रांति आने जा रही है, कह रहे हैं, और ये चौथी क्रांति माना जाता है ये सोशल मीडिया की क्रांति है। इतना डाटा अपने इस आने वाले कुछ सालों में मिलने वाला है, ऐसा माना जाता है कि पिछले 300 साल में जो डाटा इकट्ठा नहीं हुआ या रिसर्च करके मिला नहीं, वो अगले 10-20 साल में मिलने वाला है। और स्वाभाविक है अलग अलग देशों ने अलग अलग ये जो है उसका फायदा उठाया, उस औद्योगिक क्रांति का, चौथे क्रांति का सबसे बड़ा भागीदार, सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, तो ऐसा माना जाता है वो भारत अपने देश को। अभी भारत है क्यों, ऐसा सवाल भी आप में आएगा, मन में आएगा, उसका उसका उत्तर मेरे सामने बैठा है। सारे मेरे ख्याल से सारे बैठे युवा है, लगभग 30 से 40 के दरमियान के युवा लोग हैं। आपको भी मैं वही मानता हूं, 40 का ही मानता हूं मैं आपको, बिल्कुल देखो वेरी गुड। तो इस देश की जो तरुण युवा क्षमता है, इस वक्त ऐसा माना जाता है कि इस देश में 35 साल के कम उम्र वाले 65% लोग हैं। तो ये सारा सोशल मीडिया का जो है, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं भारत को इस सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा अपने को लाभ मिलेगा। एक बात और है, सोशल मीडिया से आने से क्या हुआ, ये डिजिटल मीडिया आने से क्या हुआ, सारे खेल के नियम बदल रहे हैं। मैं सिर्फ पॉलिटिकल, मैं अभी पॉलिटिकल फील्ड का आदमी हूं तो स्वाभाविक आप कहेंगे कि पॉलिटिकल की बात करेंगे, मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करता हूं, मैं उद्योग क्षेत्र की बात करता हूं, मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं, ये सारे क्षेत्र, ये सारे जो फील्ड्स है इसमें से खेल बदल रहे हैं। ये डिजिटल जो आना है, टेक्निक आया है उससे, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फेडेक्स नाम की कंपनी, आपने सुनी होगी, जो एक बड़ी कुरियर कंपनी है जिसके खुद के फ्लाइट्स है, विमान है। लेकिन इस फेडेक्स कंपनी है, उसका लगभग बाजार की मार्केट वैल्यू 270 करोड़ के आसपास कुछ होगी। आपने पिछले कुछ दिनों से दूसरी कंपनी आपने नाम सुना होगा जो आप यूज भी करते होंगे, उबर नाम तो आपने सुना होगा। उबर की आज की मार्केट वैल्यू फेडेक्स से ज्यादा है। उबर फेडेक्स की शुरुआत 1971 में हुई और फेडेक्स जिसके पास पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं गाड़ियां है, खुद के फ्लाइट्स है, लेकिन और उबर पिछले 7-8 साल में सिर्फ ये कंपनी आई और आज फेडेक्स से ज्यादा उसका मार्केट वैल्यू है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, उबर की खुद की एक भी टैक्सी नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं कि जो खेल के नियम बदल रहे हैं ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से, उससे वजह से, आप लोग बहुत सारे वर्ल्ड घूमते होंगे, कहीं कहीं देश जाते होंगे, तो स्वाभाविक है अगर आपने सोचा कि कहीं होटल में रहे, तो आपको अगर पूछा गया तो आप कहां रहे, वो आप बड़े बड़े होटल के नाम लेते होंगे। लेकिन अगर इस वक्त सबसे बड़ी कंपनी होटल इंडस्ट्री में कौन सी है, लॉजिंग में, होटल इंडस्ट्री में, ऐसा मान पूछा आपको, तो एक नाम आता है, एयर बनन उसका नाम है, आपने सुना होगा शायद। इसकी खुद का एक भी होटल नहीं है, ना एक, नॉट ए सिंगल रूम, लेकिन फिर भी 46 देशों में वो काम करती है, वहां आपकी वो व्यवस्था कर सकती है, और देश की सारी दुनिया की सबसे बड़ी होटल इसमें माना जाता है। तीसरी बात आपकी बहुत, ये तो आपके बिल्कुल नजदीक की बात मैं कहने जा रहा हूं, आपने जी कंपनी का नाम सुना होगा। दूसरा,
एक पब्लिकेशन कंपनी होती है। पब्लिकेशन कंपनी का नाम क्या होता है, काम क्या होता है, पेपर निकालना, कोई मैगजीन निकालना, कोई चैनल चलाना, ये पब्लिकेशन कंपनी काम होता है। लेकिन ऐसी एक पब्लिकेशन कंपनी है जिसका खुद कुछ भी प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन आज दुनिया जी से बड़ी कंपनी है वो, और आप उससे रोज दिन में 6-8-10 बार उस पे जाते हैं, वो है फेसबुक। फेसबुक है एक पब्लिकेशन कंपनी है, लेकिन खुद का एक भी उसका प्रोडक्शन नहीं है, फिर भी आज दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिकेशन कंपनी जी से भी बड़ी है। यानी कि हर क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कॉरपोरेट हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र के खेल के मायने ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आने से बदल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात हमें समझनी चाहिए। एक जमाना था कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करो, अलीबाबा का मैं और एक एग्जांपल दे सकता हूं, वो भी नए जमाने में, इस प्रकार के खुद का एक भी गोडाउन नहीं है अलीबाबा का, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में एक है। तो इस प्रकार के बहुत बड़े, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करो, बड़ी सब सेटअप खड़ा करो, इस प्रकार से जो एक बड़ा उद्योग खड़ा करने की ये खेल थे, खेल के रूल थे, वो आज बदल चुके हैं। इसकी वजह है डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये हो गया इधर। दूसरा पॉलिटिकल का तो आपको तो पता है, 2007 में ट्विटर का जन्म हुआ, उसके पहले ट्विटर नहीं था। 2007 में ट्विटर का जन्म हुआ तो उसके वहां ओबामा नाम के एक सीनेटर थे, सिर्फ सीनेटर, बाकी सारे सीनेटर जैसे अपने यहां खासदार होते वैसे एक सीनेटर थे। ओबामा ने ट्विटर का महत्व समझा, वहां से उन्होंने अपने विचार रखने शुरू किए, लोग उनको फॉलो करने लगे, लोगों तक वो जाने लगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि 2 बार ओबामा अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बने। मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूं, और वो पिछले 7-8 महीने पहले का उदाहरण है। आपने तुर्कस्तान नाम का देश सुना होगा। इस तुर्कस्तान में 6 महीने पहले मिलिट्री ने, वहां की सत्ता थी वो कंट्रोल में लाने की कोशिश की, मिलिट्री पूरे रास्ते पे आ गई, पूरे टैंक थे वो रास्ते पे लाए, क्योंकि लोगों को लगे कि अरे ये गए तो डरते हैं। सरकार को अपना विचार रखने के लिए कोई साधन ना मिले, इसलिए मिलिट्री के अधिकारियों ने वहां के सरकारी टीवी, रेडियो, ये सारे कंट्रोल में लिए। मिलिट्री ने अपने कंट्रोल में लिए, सारे रस्तों पे मिलिट्री घूम रही थी सब वो हथियार लेके। जब यह घटना हुई तब वहां के तुर्कस्तान के जो अध्यक्ष थे वो तो अपने कैपिटल में भी नहीं थे, वो कहीं छुट्टी मना रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल फोन से 1:30-35 सेकंड के क्लिप निकाली। उसमें इतना ही अपील किया गया था कि ये जो चल रहा है ये गलत चल रहा है, ये लोकशाही के खिलाफ है, मैं लोगों को अपील करता हूं आप रस्ते पे आ जाओ। और ये क्लिप सुनने के बाद, ये क्लिप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फॉरवर्ड होती रही, लोग पढ़ते रहे, लोग देखते रहे, फॉरवर्ड करते रहे, और उसके बाद लोग रस्ते पे आने शुरू हो गए। और जो मिलिट्री रस्ते पे आई थी, टैंक के साथ रस्ते पे आई थी, उस मिलिट्री को वापस जाना पड़ा। एक यानी कि ऐसे फोटो छपे गए कि वो उस टैंक, जो टैंक लाके खड़े किए थे चौक में, वो टैंक पे लोग नाच रहे हैं, ऐसे फोटो छप गई। एक न्यूज़पेपर ने इसका बहुत ही अच्छा हेडिंग दिया, और मुझे आज भी वो याद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है हेडिंग, में जब भी वो करता हूं। वो हेडिंग था, मराठी में उसका पहले बोलता हूं फिर हिंदी बोलता हूं, कि रणगाड़ाचा पराभव मोबाइल ने केला। यानी कि टैंक का, जो टैंक को पराजित एक हाथ में जो मोबाइल है उसने किया। टैंक यानी इतनी बड़ी शक्तिशाली एक मिलिट्री पूरी तरह से, लेकिन उसका पराभव कॉमन मैन ने अपने हाथ के मोबाइल से किया। यह हो गया तुर्कस्तान, अमेरिका, तुर्कस्तान। अपने भारत में क्या है, 2014 तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी को, इस देश की एक मीडिया थी वो एक प्रकार से कटघरे में हमेशा खड़ी करती थी, एक जो लिमिटेड मीडिया थी, कि किस प्रकार से क्रिटिसाइज हमेशा करती थी। मोदी जी ने अपनी एक अलग ये सोशल मीडिया की शुरुआत की, लोगों को अपने थॉट्स देते रहे,
अपनी जो विचार थे वो व्यक्त करते रहे, उसका परिणाम ये हुआ लोग उनको चाहने लगे, उनके बढ़ने लगा, उनका फॉलोअर बढ़ने लगा। 30 साल बाद इस देश में परिवर्तन हुआ और पूरी मेजोरिटी का सरकार 30 साल के बाद आया। 1900 राजीव गांधी की सरकार थी जो पूरी मेजोरिटी की सरकार थी, उसके बाद पूरी मेजोरिटी सरकार आई नहीं थी 1984 इंदिरा गांधी के हत्या जी के बाद, लेकिन 2016-14 में 30 साल बाद यह सरकार आई। ये सोशल मीडिया की ताकत है, पॉलिटिकल ताकत। स्वाभाविक है आपने मन में डिजिटल, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का मुझसे क्या लेने देना, ये सवाल आपके मन में होगा। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, ओबामा, मोदी जी, तुर्कस्थान या फिर उबर, ओला, ये सारी चीजें। लेकिन एक बात है कि जब मुझे पता नहीं इसमें से पॉलिटिकल फील्ड में कितने काम करने वाले लोग हैं या पॉलिटिकल इच्छा शक्ति रखने वाले कितने काम है, लेकिन आने वाला जो है जमाना है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है। इसका सबसे बड़ा ये है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता मैं क्या व्यक्त करूं। अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसके 10 मिनट पहले हम अंदर चर्चा कर रहे थे और मुझे एक हमारे ही समर्थक रह चुके ऐसे व्यक्ति ने मुझे एक सवाल किया कि बोला मैं तो जानता हूं, मैं तो मोदी जी का और आपका समर्थक हूं, आपको ही पता है, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है आपसे। मैंने पूछो, बोले कि ये बात तो ठीक है लेकिन मोदी जी के, अगर कोई मोदी जी के बारे में कोई खिलाफ कोई एक शब्द कहता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग बिना सोच समझ के उस पर टूट पड़ते हैं और लैंग्वेज भी बहुत गलत होती है। मैंने बोला कि बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इसमें आप ही मुझे हल बताओ। ना वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, ना वो व्यक्ति कोई भारतीय जनता पार्टी से कहीं जुड़ा हुआ होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया की यह है कि हमें सोशल मीडिया की वजह से अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने की, चाहे उसको लैंग्वेज की बात छोड़ दो एक 5 मिनट के लिए, जो कॉमन मैन, आप एक 20 साल पहले जाओ, 20 साल पहले आप 25 साल के तो 5 साल के होंगे सर, आप 20 साल पहले की बात सोचो, अगर उस समय आपके थॉट्स व्यक्त एक्सप्रेस करने के लिए जगह कहां थी। अगर समझो मुझे 20 साल पहले कोई, अगर आप न्यूज़पेपर एक नाम की चीज मेरे घर में आती थी, अगर मुझे कोई बात लिखनी है, मेरे यहां रस्ते पे खड्डा पड़ा है, वो पिछले महीनों से दुरुस्त नहीं हो रहा है, मैं चाहे तो उसमें ओपिनियन वो लेटर देता था, वो छपके इसकी भी गारंटी नहीं थी। तो ये था और तब मुझे एक्सप्रेस करने की मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई व्यासपीठ वहां उपलब्ध नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म ही मेरे लिए नहीं था। सोशल मीडिया ने कॉमन मैन को अपना वॉइस रखने की जगह दी। आज यहां हम बैठे, हो सकता है कोई लेक्चर अपने को अच्छा न लगे तो हम डायरेक्ट जाके वहां कोई हम व्यक्त कर सकते, इसके पहले वो थी नहीं सुविधा। तो सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल टेक्नोलॉजी से आया है कि कॉमन मैन अपने इशू, अपने कंसर्न, अपने सवाल, यह सही तरीके से, तरीका गलत सही उस फिर लैंग्वेज में बाद में जाएंगे, लेकिन वो लोगों के सामने ला सकता है जिससे आगे बढ़कर वो एक जन आंदोलन भी क्रिएट हो सकते हैं। मैं सिर्फ निगेटिव बातें नहीं कह रहा हूं, मुझे आज भी याद है 2 साल पहले महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था और तब सूखा में कुछ एरिया थे, मराठवाड़ा एरिया था, विदर्भ का एरिया था, तो मुझे आज भी याद है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लोगों ने एक न्यूज पढ़ी, ऐसे व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड होते हैं उसमें एक न्यूज पढ़ी कि बीड जिले में एक अभयारण्य है, वहां के मोर जो पानी न मिलने से वहां के मोर बहुत ही बुरी हाल में थे, पानी नहीं था। तो एक न्यूज ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप में व्हाट्सएप के रहते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में एक कुछ लोग एकत्र आए कि सब, उन्होंने सोचा तैयार, उन्होंने कहा कि चलो हम एक साथ आ जाते हैं, हम पैसा निकालते हैं और वहां टैंकर जा इसकी व्यवस्था करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक दूसरे को जानते भी नहीं होते हैं, लेकिन जानते नहीं फिर भी लोग वहां अच्छे कॉज के लिए एक साथ आए और वो 2 महीने अगले वहां वो बीड के जो वहां मोर को पानी मिलता रहा, टैंकर जाता रहा। एक कॉर्पोरेशन का, मुझे, मैं पॉलिटिकल फील्ड में काम करता हूं तो बहुत बार मुझे ये इस विषय से, कॉर्पोरेशन से मुझे पता चलता है। एक बार कॉर्पोरेशन का इश्यू आया था, कॉमन मैन ने क्या किया इसका मैं झलक दिखाता बोलता हूं। कॉर्पोरेशन ने, उन्होंने एक चौक में, उनके सोसाइटी के कॉर्नर में वहां का कचरा उठा ही नहीं जा रहा था,
चार दिन पांच दिन उन्हें सारे जो रेगुलरली जब अर्जी दाखिल करना, फोन करना, फॉलो अप करना, ये सारे लोग वो कर चुके थे। वो कचरे का ढीक बढ़ रहा था, लेकिन वहां का कोई कॉर्पोरेशन का कोई भी अधिकारी, कोई भी वहां कोई एक्शन नहीं ले रहा था, कार्रवाई नहीं कर रहा था, कचरा बढ़ रहा था। आठवें दिन के बाद उन्होंने कैंपेन शुरू किया सोशल मीडिया पे, एक फोटो निकाला, सोसाइटी के एक ऐसे कोई उत्साही था, उसने कैंपेन निकालना शुरू किया, एक फोटो निकाला, वहां सब नीचे लिखा कि देखो कचरा न उठाने का नवा दिन, साथ में वो डुक्कर वो बाकी सारे गंदा सब गंदगी दिखाई, इससे क्या क्या होगा ऐसा लिखा और सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड कर दिया। वो धीरे धीरे फॉरवर्ड होने लगा। दसवें दिन फिर एक बार फोटो, कचरे न उठाने का दसवा दिन, फिर वो फोटो घूमना शुरू हो गया। ग्यारहवा और वो ट्रेंड बनता गया, लोग फॉरवर्ड करने वो चर्चा के विषय। दिन उस कॉर्पोरेशन का कमिश्नर खुद वहां आया और उसने पूरा खुद उसके सामने खड़ा रह के वो कचरा उठाने के लिए कहा और अगली व्यवस्था भी पूरी की। ये सोशल मीडिया की ताकत है कि कॉमन मैन अपना आवाज सही तरीके से उठाए तो एक प्रकार से वो जस्टिस दे सकता है इशू को। एक तो ये कॉमन मैन का हो, एक मैं सोच रहा हूं कितने आपको एग्जांपल दूं। मोर का एग्जांपल हो गया, ये कमिश्नर का एग्जांपल हो गया, बहुत सारे ऐसे। दूसरा अन्ना हजारे, 2012 में क्या था, लेकिन 2012 में अन्ना हजारे का अनशन शुरू हुआ, उसके बाद इस देश के सारे लाखों लोग आ गए। किसके कनेक्शन में आ गए, ना कोई जानने वाला था, पहचान था, कोई लीडर नहीं था। अन्ना हजारे दिल्ली में थे लेकिन गांव गांव में यात्रा निकलती थी, वो सारे इसमें थे। ये सोशल मीडिया का कनेक्टिविटी थी। तो कॉमन मैन को ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा दिया है कि हम इसमें बड़ा हो सकते हैं। दूसरी बात मैं रखने जा रहा हूं भाई साहब, हम अपनी खुद की इमेज इससे बड़ी कर सकते हैं। वो फिर सवाल आएगा कैसे। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, मुझे आंसर मत दो, आप अपने मन में उसका उत्तर दो। सबसे पहले मैं पूछता हूं, यहां हम शुरुआत करते जो तीन चार व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये जो सारे है, यूट्यूब, इसमें से पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ व्हाट्सएप, मेरा सवाल ठीक से सुनो और मुझे उत्तर दो। यहाँ व्हाट्सएप यूज करता नहीं, करता है सब जानता हूं मैं, ऐसे कितने लोग हैं? सब यूज करते हैं, एक भी लकी आदमी नहीं है। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप जो यूज नहीं करता वो लकी मैं मानता हूं, क्योंकि उसको व्हाट्सएप वाला आदमी हमेशा ऐसा ही करता है ना, और हमेशा चालू रहता है। व्हाट्सएप सारे यूज करते हैं, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कितने लोग करते हैं? व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करना कितने लोगों को पता है? व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग 3-4-5-6 उसमें है, तो पूरे ऐसे उठाउट हैं, सोच सोच के क्या 6 लोगों को पता, बाकी लोगों को पता ठीक है। फेसबुक बहुत बहुत सा, लगभग सब लोग हैं फेसबुक पे। ट्विटर कितने लोग हैं ट्विटर पे? बहुत सारी संख्या है, लगभग रोज 300-400 ट्वीट करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? कम से कम 3-4, या फिर कभी कभी ट्वीट करते हैं 3-4। ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात करूंगा, यानी कि वो सब भी पता चल जाएगा। सबसे पहली बात ये आती है, मैं अभी ये सवाल अभी आप उत्तर मत दीजिए मुझे, ये बताइए, अगर मैंने आपको पूछा कि आपको गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसे मैसेज भेजने वाले कितने, कौन कौन लोग हैं? अगर मैं आपको सवाल करूंगा तो आपके सामने 3-4 चेहरे आ जाएंगे, ये लोग सिर्फ मुझे गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेजते हैं। मैंने अगर आपको पूछा कि आपको जोक सिर्फ भेजते ऐसे कितने लोग हैं, तो तुरंत आपके सामने 2-5-10 लोग आ जाएंगे, अरे ये लोग है ना सिर्फ जोक भेजते हैं। मैंने अगर आपको पूछा कि आपको श्रावण आया, श्रावण स्पेशल, गणपति आया, गणपति स्पेशल, अभी दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, इसके इंपॉर्टेंस बताने वाले, 9 कलर की साड़ियां, ये सारे लोग भेजने वाले कौन हैं, तो आपको वो नाम चेहरे आएंगे बराबर। अगर आप लोगों को लेबलिंग करते हो, आप लोगों की मन में एक इमेज करते हो, तो आप क्या भेजते हो इसके लिए आपके भी लोग लेबलिंग करते होंगे ना। तो सही, आप क्या लोगों के सामने जाना चाहते हो? एक सिर्फ एक कैजुअल एक जोक भेजता है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करता है, इस प्रकार की आपकी इमेज हो,
या बंदा काम का बंदा है, ये काम करता है कुछ ना कुछ, इस प्रकार की आपकी इमेज हो, ये आप पे डिपेंड है। अभी ब्रॉडकास्ट की बात मैंने अभी कही, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट एक ऐसा साधन है जिससे आप सीधा लोगों तक पहुंच सकते हैं। यानी कि आप तो ग्रुप, आप सारे लोग ग्रुप तो यूज करते होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप आप यूज करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। मैंने अभी मैं बैठे हमारे मित्र संजय जी, लगभग 450 व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूं इस वक्त। अगर मैं चाहूंगा, मैं सिंसियरली चाहूंगा कि भी लोगों ने ऐड किया है मुझे, मैं वो सारे ग्रुप पढ़ना चाहूं तो भी मैं ग्रुप पढ़ नहीं सकता 450 ग्रुप। और ग्रुप में होता है, हमने एक कोई पोस्ट डाल दी तो बहुत सारी चीजें आती रहती है, एक बार एक आती है, उसके बाद तीसरी आती है, 25 ऑलरेडी हो चुकी होती है, जो हमने कही उसके ऊपर 25 पोस्ट और आई होती है। तो हो सकता है हम जो भेजना चाहते हैं, हम जो कहना चाहते हैं, वो सामने वाला पढ़े ही नहीं। मैं और महेश सने हैं और बाकी आप समझो एक ग्रुप में है, और कुछ पोस्ट मैंने इंपॉर्टेंट पोस्ट डाल दी, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ये पढ़नी चाहिए, उसके बाद धप 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 10-5 आ गए और महेश ने पढ़े ही नहीं वो पोस्ट। तो क्या फायदा इसमें? इसमें ब्रॉडकास्टिंग का एक बहुत बड़ा इफेक्ट ऐसा होता है कि ब्रॉडकास्ट नाम का आपके मोबाइल में, अगर आप एप्पल यूज करते हो फोन, तो ऊपर जाइए व्हाट्सएप में, वहां ब्रॉडकास्ट नाम की होती है, और ब्रॉडकास्ट में आप एरिया वाइज लिस्ट बना सकते हो 256 लोगों की। और उसका फायदा यह होता है कि मुझे महेश साने को मैं डायरेक्ट मैसेज भेज सकता हूं, उस लिस्ट में मैंने मैसेज डाल दिए तो ग्रुप में नहीं जाएंगे, महेश साने से डायरेक्ट पर्सनल चैट मुझे मेरा आएगा या मैं उसको भेजूंगा। और जब कोई पर्सनल मैसेज आता है तो लोग वो ओपन करके देखते हैं और मिसिंग होने के चांसेस नहीं होते। तो ये सबसे बड़ी बात, इसलिए अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो, आपको सेटिंग में जाके वो चीज करनी पड़ेगी, ब्रॉडकास्ट नाम का एक वहां चीज होती है। तो ये पहली बात, ब्रॉडकास्ट आप समझ लो एक दूसरे इसमें। हमें क्या डिजिटल मीडिया पे, मैंने अभी ये बात कह रहा था, क्यों हमें चाहिए, हमारा फोकस उसमें पहले क्या, हम पॉलिटिकल, एक बहुत बार मैं विषय रखता हूं कि पॉलिटिकल लोगों को क्यों चाहिए। एक बात होती है, अगर कोई, आप सब इसमें कुछ लोग जॉब करने वाले भी है, एक बात समझ लो, अगर कोई 21 साल में आपकी जॉब डिग्री आ गई और आपको नौकरी मिल गई और आपने कुछ गड़बड़ ना की, तो 58 तक आप सही तरीके से जॉब करते हो, वही एक ही जॉब में आपकी प्रमोशन होती रहती है, इंक्रीमेंट मिलती रहती है, कुछ गड़बड़ ना किए, ठीक से काम किया, तो 58 तक आपकी निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। लेकिन ये जो अमरत्व जो जॉब करने वाले को है, ये अमरत्व इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं है, इस देश के मुख्यमंत्री को, इस राज्य के, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं है, किसी विधानसभा के आमदार को नहीं है, किसी वार्ड के नगर सेवक को नहीं है। उसको हर 5 साल लोगों के पास जाना पड़ता है, और 5 साल लोगों के साथ जाना है तो लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है, लोगों को कांटेक्ट करना पड़ता है। इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी आज सबसे बेस्ट एक प्रकार से लोगों को कनेक्ट रहने का सबसे बड़ा माध्यम है। एक बार एक स्टडी आई थी कि केरल में लेफ्ट के सरकार हमेशा क्यों जीतती है, ऐसा एक स्टडी रिपोर्ट आया था। फिर उसका उस रिपोर्ट में एक चीज आई थी कि जब भी उनकी कैबिनेट मीटिंग होती है लेफ्ट गवर्नमेंट की, वहां की, उस दिन या फिर उस गांव के एक मार्केट डे होता है हर छोटे विलेज का, उस दिन वहां के लोग मोटर युवा, वहां के जो यंग ब्रिगेड रहती है उन कार्यकर्ताओं की, वो मोटरसाइकिल लेके गांव-गांव में मार्केट में घूमते थे और बताते थे सरकार ने ये काम आपके लिए अच्छा किया है, सरकार ने ये काम, ये योजना आपके लिए लाई। और इससे परसेप्शन क्रिएट होता है, फाइनली गवर्नमेंट की इमेज हो या मेरी खुद की इमेज हो, ये फाइनली परसेप्शन का मामला होता है। सरकार तो निर्णय अच्छे लेती है, ये सरकार निर्णय लेती है, लेकिन वो जनता तक कैसे जाए, ये परसेप्शन क्रिएट का मामला होता है। और परसेप्शन क्रिएट करना है तो हमें लोगों के साथ उस प्रकार से व्यक्त होना चाहिए, उस प्रकार से पहुंचना चाहिए, और उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग, ये सबसे डिजिटल टेक्नोलॉजी सबसे बढ़िया मामला है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, मेरे वोटर्स, हो सकता है कि आप समझो आप कोई असेंबली में काम करते हो और आपने अपने विधानसभा का प्लान अपने आप में से किसने तय किया है, या फिर आप में से कोई कॉर्पोरेटर बनना चाहता है, ऐसा हम सोच, एक एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं कि महेश जी ने एक वार्ड तय किया है
यानी महेश जी आप विधानसभा लड़ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए हम वार्ड लेते हैं। तो महेश जी ने एक वार्ड लड़ने का तय किया है और महेश जी के वार्ड में 5000 वोट्स ऐसे हैं जो 5000 वोट्स उनको मिलना जरूरी है, वो 5000 वोट्स को टारगेट कर रहे हैं। अभी आप समझ लो कि 5000 वोट्स पे मुझे मिलने के लिए मुझे उनके संपर्क में रहना पड़ेगा। अभी मैं उनके साथ पहुंचूंगा, महेश जी सोचेंगे मैं पहुंचूंगा कैसे उनके पास। तो पहले जो हम ट्रेडिशनल वेज है जो अभी तक चलते हैं और हम यूज करते हैं, वो मैं ऐसा नहीं मानता कि वो बिल्कुल निकम्मे है, अभी बदल गए। सबसे पहले बात तो न्यूज़पेपर में खबर नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर में खबर नहीं चाहिए महेश ने अच्छा काम किया अमुक के ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ उन्होंने आंदोलन किया है उसकी न्यूज छप के आनी चाहिए। अगर 5000 मुझे लोग उस एक न्यूज़पेपर में आना है, समझो एक न्यूज़पेपर में तो पहली जगह मिलती ही नहीं है, अगर जगह मिलती भी है तो कहीं तीसरे चौथे पांचवें आठवें पेज पे जगह मिलेगी मुझे। मेरे तो फ्रंट पेज पे तो मोदी जी के आते, दूसरे और सीएम आते, उसके सिवा तीसरा चांस ही नहीं मिलता। अगर समझो महेश जी के दोस्त है प्रेस में, महेश जी ने कोशिश की और महेश जी ने एक अच्छी तरीके से एक न्यूज छपवा के लाई, उनका फोटो बेटो अच्छा, अभी सबसे पहला वो सारी सिटी में सिटी का सबसे बड़ा अखबार है, फिर भी जो 5000 लोग है उनमें से कितने लोगों वो न्यूज पेपर लेते हैं, तो उनके महेश जी की न्यूज कितने लोग पढ़ते हैं। एक मैं उदाहरण देता हूं, जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो फोकस्ड रहती है उनके क्लाइंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, अगर समझो बीएमडब्ल्यू गाड़ी ने एक नई गाड़ी उतारी 50-60 लाख की नई गाड़ी, क्योंकि उसके नीचे तो उनकी गाड़ी आती नहीं, एक 50-60 लाख की नई गाड़ी लॉन्च की, तो मार्केट सर्वे करते कि 50-60 लाख की गाड़ी लेने वाला जो क्लाइंट है मेरा, वो क्लाइंट कौन सा माध्यम यूज करता है, पढ़ता है या देखता है जहां मैं एडवर्टाइज करूं। तो स्वाभाविक है वो इकोनॉमिक टाइम्स पे एडवर्टाइज करेंगे, सीएनएन सीएनबीसी पे एडवर्टाइज करेंगे, वहां के लोकल कोई पेपर पे नहीं करेंगे एडवर्टाइज, क्योंकि वो क्लाइंट फोकस्ड वो स्ट्रेटेजी उनकी रहती है। अगर बीएमडब्ल्यू इस प्रकार की कंपनी अगर क्लाइंट फोकस होती है तो मुझे भी मेरे वोटर फोकस्ड मेरी और जिनके पास मेरी इमेज करनी है वो फोकस मैं कैसे करूं, और वो स्ट्रेटेजी मैं अगर अपनाता हूं तो इसमें 5000 लोग हो सकता है उसमें मुझे 100% रिजल्ट देती नहीं, हो सकता है मेरे 1000-2000 भी लोग वो न्यूज ना पढ़े, सारा सिटी पढ़े, मुझे क्या लेने देना। सिटी में 5 लाख पेपर खपता है लेकिन मेरे वार्ड में अगर वो 5000 घरों में जाता नहीं है, 1000 घर में भी नहीं जाता वो न्यूज पेपर, तो मेरा जो टारगेट फोकस है वोटर फोकस है वो मुझे फायदा नहीं देता, इसलिए ये भी 100% रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। दूसरा आजकल बहुत बड़ा फैड है, आप देखते होंगे फ्लेक्स लगाते हैं बड़े बड़े, जो अपना अभी तो महेश जी का चेहरा अच्छा है लेकिन बहुत काले चेहरे भी ऐसे बहुत फोटोशॉप में बना के एकदम अच्छा चेहरा करके वो लगा देते हैं फ्लेक्स, लेकिन फ्लेक्स का भी लाइफ 24 आवर्स, और वो 24 आवर्स में भी वहां उस जहां चौक में वो फ्लेक्स खड़ा है वहां से मेरे 5000 लोग कितने जाएंगे, यहां भी 100% अपने को श्योरिटी मिलती है नहीं मिलती, तो ये भी अपने लिए 100% नहीं है। तीसरा और एक जो है थोड़ा खर्चा है लेकिन फिर भी अभी इलेक्शन लड़ना है तो करना पड़ेगा, हम केबल पे एडवर्टाइज करते हैं, केबल हर घर में हमारे वार्ड में हर घर में जाएंगे, लेकिन केबल में एडवर्टाइज करने के बाद भी मेरे यहां मेरे उस ब्रेक में वो 5000 लोग कितने वार्ड देखेंगे। इन्हें सारी जो चीजें होती है ये सारा जो विषय होता है जो मुझे 100% रिजल्ट नहीं देते मुझे, तो मेरे पास इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का व्हाट्सएप का ऐसा ब्रॉडकास्ट का जो माध्यम है, मैं ब्रॉडकास्ट का इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर मेरे मेरे मोबाइल में मेरे वार्ड के वो 5000 नंबर है तो उनको मैं जो काम करता हूं वो सीधा वहां तक पहुंचता था, और इसमें हैंडल, और वो जरूर नहीं कि उस दिन वो मेरे वार्ड में रहे, वो चाहे चेन्नई चले गए, वो हैदराबाद चले गए हो, दिल्ली चले गए हो, मैं वो किसी काम के लिए, लेकिन उनको तक मैं हमेशा जाता रहूंगा, मैं हर जगह वहां जाता रहूंगा, मैं जो भी काम करता हूं मेरी इमेज के बारे में, मैंने कोई रस्ते का सवाल मैंने वार्ड का किया है मेरा, मैंने कोई पानी की समस्या मैंने सॉल्व कर दी है, रस्ते की समस्या सॉल्व कर दी है, या मैंने कोई अलग काम किया है जिससे मेरी इमेज बढ़ने वाले लोगों को लगता है कि मेरा काम कर रहा बंदा है, लोगों को टच में मुझे रहना है, तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट अगर मेरे है तो मैं कर सकता हूं रोज, तो रोज मेरा जाता रहेगा तो 500% श्योर, और लोग भी
पढ़ते हैं और उसके मन में इमेज खड़ी रहती है कि महेश काम करने लगे उनको वोट देना चाहिए। यही फेसबुक भी है। फेसबुक आपको वाइडर कनेक्शन देता है पूरा एक दुनिया से, कहां भी जहां जिसको डेडलाइन नहीं, अगर पेपर में न्यूज देनी है तो मुझे 8 के पहले न्यूज तैयार करनी पड़ेगी, वो भेजनी पड़ेगी, उसको फोन करना पड़ेगा। आज रात को हम यहाँ आए हैं किसी क्लास के लिए, रात को ऐसे हम गप्पे मारते बैठे और कोई हमें अच्छा सुझाव आया, तुरंत हमने फेसबुक पे डाल दिया, तुरंत रात को 12 बजे भी हमने डाल दिया, 2 बजे डाल दो, अगले 5 मिनट के अंदर आपको लाइक मिलती है, कॉमेंट आना शुरू होता है। यानी टाइम का बंधन नहीं है सोशल मीडिया में, समय की पाबंदी नहीं है। आपके भाषा में, यानी कि आपने कुछ भेजा, वो दूसरा एडिटर, दूसरा आदमी कट करेगा, आपका जो मेन है वो निकाल देगा, दूसरा कुछ तो लिखेगा पेपर में, ये नहीं होगा। तो आपकी भाषा में आपको जो कहना है वो लोगों तक लेके जाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये सोशल मीडिया करती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी करती है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये सारे करते समय 2-3 चीजें भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, आजकल बहुत सारी चीजें उसमें आती है, लेकिन उसमें कोई डूज एंड डोंट्स भी है। सबसे पहला डूज, मैं उसको बहुत बार 3 स उसको बोलता हूं कि 3 स हमें ध्यान में रखने चाहिए। उसमें पहला स आता है सातत्य, जिसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। हमने शुरुआत की और आज ये सेशन हुआ, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, मुझे मेरी इमेज बनानी है या मुझे कॉज करने हैं, कुछ अच्छे कॉज के लिए काम करना है तो मैं यूज करूंगा, और मुझे आ गया और मैंने कुछ लिख के डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट किया, ट्विटर पे ट्वीट किया, और अगले 2 महीने 1 महीना मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ फायदा नहीं। पहले अपने सोचो कि मुझे क्या करना है, मेरी इमेज क्या करनी है। सबसे पहली बात, मुझे क्या करना है। अगर मेरी इमेज किस प्रकार से लोगों के सामने जानी है, मैं सोशल वर्क के हैसियत से जा रहा हूं, मैं पॉलिटिकल लीडर के हैसियत से जा रहा हूं, या फिर मैं कोई कॉज लेके लोगों के सामने जा रहा हूं, एक बार पहले अपना डिसाइड कर लो, और वो डिसाइड करने के बाद उस दिशा में छोटी छोटी बातें वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहो, जिससे लोग जानना लगेंगे कि इस बात के एक्सपर्ट है। अभी आपके पास डिफेंस का एक सेशन हुआ, हो सकता है आप में से कोई डिफेंस का इंटरेस्ट का आदमी हो। अगर आपने हमें आपको एक डिफेंस एक्सपर्ट की बात करनी है, डिफेंस एक्सपर्ट बनना है, तो थोड़ी छोटी बातें, अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, हो सकता है कि उस समय आपको ना लगे कि मेरा कौन पढ़ेगा, मुझे कौन पूछेगा, इस प्रकार पहली, क्योंकि मुझे तो कोई है नहीं, जानता नहीं, मैं तो बहुत ले मैन हूं। लेकिन आप अपनी बातें रखना शुरू कर दीजिए, एक कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ बातें कहते रहिए, एक लाइन में बातें कहते रहिए, आपने जो डिसाइड किया है वो बात लिखते रहिए। लोग नोटिस करना, शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आप उस क्षेत्र के एक्सपर्ट होते जाते हैं। आज फेसबुक ने इतने लोगों को एक्सपर्ट बनाया है कि पूछो मत। लेकिन कुछ उसमें सही भी है, सब ऐसा नहीं मानता कि सब ऐसे गलत इस प्रकार के हैं, कुछ अच्छे लोग भी इस वजह से बाहर आए हैं। तो आप भी एक एक्सपर्ट फेसबुक में या अन्य माध्यमों से एक एक्सपर्ट बन सकते हैं आपकी इमेज, लेकिन आपको पहले डिसाइड करना है कि मुझे किस प्रकार से मेरी इमेज खड़ी करनी है। तो एक कंसिस्टेंसी, उसमें भी कंसिस्टेंसी में क्या कंटेंट होना चाहिए। एक बात समझ लो, ये सारा सोशल मीडिया में खेल है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का खेल है, इसमें कंटेंट इज ए किंग। मैं पॉलिटिकल फील्ड में काम करता हूं, मुझे बहुत सारे सोशल मीडिया कंपनी वाले मिलने आते, सर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम इतना आपको ये कर देंगे। मैं बोलता हूं इसमें कंटेंट की कहां है, और फिर वो देखते हैं मेरे पास। आप कितने भी अच्छे टेक्निकली आप बढ़ने की कोशिश करो, आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, आपके पास टीम बैठी है पूरे फॉरवर्ड और ये करने की, लेकिन अगर लोगों को जो अच्छा लगे ऐसा कंटेंट आप क्रिएट नहीं कर सके, आप सोशल मीडिया में कुछ फायदा नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। यानी सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज और वो गणपति शुभेच्छा, इसके पोस्टर्स बनाने से, ब्रॉडकास्ट करने से, पोस्ट करने से आपकी इमेज नहीं बढ़ती। आपको उस लोगों को ये पढ़े, लोग क्यों पढ़े, लोग इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते हैं, लोगों को अच्छा लगता है पढ़ना, वो क्या पढ़े ये अगर आप डिफेंस, अभी डिफेंस में लिया, डोलकाम का इशू हो गया, आपने कुछ उसके बारे में लिखा, वहां जरूर नहीं कि आप डिफेंस एक्सपर्ट ऐसे लिखे, लेकिन वो पूरा 2 महीने वो इशू चल रहा था जून से लेकर अभी तक सितंबर तक, तो आप 3-4 दिन बाद कुछ ना कुछ वहां के पढ़ के, छोटी छोटी अच्छी बातें, वहां जो भी बातें आपको लगे
आप लिखते रहेंगे तो दो महीने में आप उस विषय पे एक्सपर्ट माने जाने लगते। सिर्फ मेरा फोटो निकालो पोस्ट करो, सेल्फी निकालो पोस्ट करो, इससे इमेज नहीं बढ़ती, वो करो मत, क्योंकि उससे लोग ठीक है आपको लाइक भी, आपको लगता होगा लाइक भी करते, लेकिन उससे इमेज बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है वो एक करनी चाहिए, वो आपको कभी भी अच्छा लगता है, लेकिन कंटेंट से इमेज बनती है, क्या कंटेंट आना चाहिए ये सबसे पहली बात। दूसरा, पहला स सातत्य हो गया, दूसरा स संयम, पेशेंस, और लैंग्वेज में मर्यादा। बहुत बार ऐसा होता है हम किसी, हमारे किसी हीरो के प्रति बहुत सारी चीजें, कुछ कोई तो एक आड़ा तेड़ा लेता है, कुछ तो लिखता है, हमें बहुत गुस्सा आता है, और फिर हम ऐसे भाषा में शुरू करते हैं, एकदम हम भी तलवार निकाल के शुरू जाते हैं, बहुत लैंग्वेज विरुद्ध बेल्ट जाके लैंग्वेज यूज करते हैं, लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। अगर हम, आप एग्रेसिवली लिखो, आप बोल्डली आपके भाषा यूज करो, लेकिन वो बिलो द बेल्ट मत जाओ, किसी के कैरेक्टर के खिलाफ मत लिखो, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता, इससे आपकी इमेज डाउन होती है। वो आदमी का क्या होगा बात अलग है, लेकिन तब आपकी इमेज उससे डाउन, अरे क्या आदमी है इस प्रकार से लिखता है क्या, ये लोग मन में हो सकता है आपको बात ना करे, लेकिन ये लोग में सोचते हैं। आप एग्रेसिवली लिखो, आक्रामक से लिखो, स्ट्रांगली लिखो, स्ट्रांगली वर्ड आप लिखो वहां, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज पे आ जाओ, आप किसी के कैरेक्टर पे आ जाओ। महिलाओं के सामने लिखते हुए बहुत ही कॉशियसली लिखो, क्योंकि किसी भी हालत में महिलाओं का किसी भी हालत में अपमान अपने नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी समाज एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस प्रकार से संयमित भाषा ये अपने कंटेंट में आनी चाहिए, सबसे दूसरी बात। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो आजकल बहुत बार मैंने, अभी वही हम बातें कर रहे थे, तीसरा स, पहला सातत्य कंसिस्टेंसी संयम, और तीसरा स सत्यता। हम जो आए उठा के फॉरवर्ड कर देते, पहले सोचो कि सच सही है कि नहीं। आपको ऐसा, हमें ऐसा लगता है बहुत बार कि मैं अगर ये दुनिया को खबर ना दूं तो दुनिया को खबरें नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने खबर नहीं तो दुनिया कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो दुनिया वैसे ही चलने वाली है। मैंने कि इतने बार, अभी दिलीप कुमार तो कम से कम 25 बार दिलीप कुमार की तो न्यूज आ चुकी है, आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे। मैंने कि हम कोई सोचते नहीं, कोई देखते नहीं, उठाते फॉरवर्ड करते। एक तो मैसेज मुझे बहुत बार आता है, मैं भी आज भी, मुझे आश्चर्य होता है, कहीं आपको भी आता होगा मैसेज, कहीं मंगल ग्रह से आज रात को 12 बजे कोई किरण आने वाला है, आपके मोबाइल में जाने वाला है, मोबाइल फटने वाला है, आप दूर रखो मोबाइल सोते समय। ऐसे मैसेज हम किस कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं? एक विवेकशील आदमी हम है, विचार करने वाले लोग हम है, मंगल एक ग्रह है, वहां से कैसे किरण आएगा, हम कुछ सोचे समझे फॉरवर्ड कर रहे थे। फिर आजकल वो पोस्टकार्ड आते थे, आप सत्य साई बाबा के साथ पोस्टर इनको भेजो, पोस्टकार्ड भेजो तो आपका भला हो जाएगा। अभी व्हाट्सएप भी आने लगे हैं कि ये मैसेज फॉरवर्ड करो तो आपको 10 लोग, अरे यानी कि हम विवेकशील विचार करने वाले लोग हैं, हमें भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार से कैसे मैसेज भेजते हैं। और उसके लिए गूगल, अगर हमको कोई जानकारी नहीं तो गूगल वाला बैठे हैं ना कंफर्म करने के लिए, कोई बात आती है, कोई न्यूज आती है तो कंफर्म तो करने के लिए गूगल जैसा है, बाकी सारी चीजें है, हमारे दोस्त है, ये दुनिया बहुत छोटी है, वो कंफर्म हो सकता है, उसके बाद भेजो ये आपके इमेज के लिए। अरे ये कुछ भी भेजता रहता है, ये आपकी इमेज होनी चाहिए या नहीं, नहीं ये इसने भेजा है ना, ये सही है, ये इमेज होनी चाहिए। ये छोटी चीजें है लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत मायने करती है। इसलिए डूज एंड डोंट्स में सबसे पहले ये बात कि हम जो लिखे जो फॉरवर्ड करे, अगर नहीं पता तो मत लिखो, कॉमेंट मत दो, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, कोई आप छोटे नहीं हो जाते हो, लेकिन संयमित भाषा में लिखो। और दूसरा फैक्चुअली लिखो, सत्य है उसमें लिखो, कुछ भी अपने को लगा ऐसा ये मत लिखो, ये डूज एंड डोंट्स। एक बात समझ लो, आने वाला समय ये सोशल मीडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी का ही है। इस वक्त इस देश में 108 मोबाइल जो है, 108 करोड़ लोग हैं जो मोबाइल यूज करते हैं, और उसमें से 46 करोड़ स्मार्टफोन यूज करते हैं, यानी जो जिसमें इंटरनेट होता है, ऐसे स्मार्टफोन। और ये आने वाला दुनिया भी उस प्रकार से ही चलने वाली, आने वाले दिनों में बैंक में भी लोग कितने जगह, मुझे मुश्किल लगता है, लोग सारे डिजिटल काम करेंगे। सारा दुनिया की ताकत जो हमने, आपने वो कथा स्टोरी बचपन में सुनी होगी, अलाउद्दीन और जादू का चिराग, आपने सुना है ना, वो अलाउद्दीन दिया घिसता है, फिर वो
जीन आता है, आपने स्टोरी सुनी होगी कभी कभी, वो फैंटेसी स्टोरी, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि वो स्टोरी शायद मोबाइल को देख के की होगी, क्योंकि सारा जो है वो मोबाइल में। आप रास्ता ढूंढना है तो आपको जीपीएस मैप लगाओ, आप वहां पहुंच जाते हो। आपको अच्छे होटल चाहिए, आप गूगल सर्च करो। आपको कोई दूसरी चीज चाहिए, गूगल सर्च करो। आपको आने वाले दिनों में सब इस प्रकार से इंटरेक्ट सब होने वाला है कि अगर आपको समझो यहां से नागपुर जाना है और कुछ प्लेन से जाना है, कुछ ट्रेन से जाना है, या फिर कहीं और जगह जाना है, तो सारा टिकट आपके मोबाइल पे निकलेगा। आपको बताएगा आपके घर से बाहर इस इतने बजे गाड़ी है, वहां की पुणे कॉर्पोरेशन गाड़ी आएगी, सिटी बस, वहां से आप इतने बजे एयरपोर्ट जाओगे, वहां से मुंबई तक आप एयरपोर्ट फ्लाइट से जाओगे। ये सारा टिकट आपके मोबाइल में, सारा रूट आपके मोबाइल में किया होगा। वहां मोबाइल, वहां से उतरने के बाद आपको यहाँ टैक्सी का, वहां जाके टैक्सी मिलेगी, उसका भाड़ा भी आपने, और वहां से इतने बजे आपकी ट्रेन है, उसका भी टिकट आपने मोबाइल पे ही कटवा होगा। इस प्रकार से इस व्यवस्था आने वाले दिनों में आने वाली है। कोई आपके सोसाइटी में रहते हैं, आपके यहाँ कचरे की गाड़ी पहले वो घंटी बजाती थी कचरे वाली गाड़ी, आने वाले दिनों में आपके मोबाइल पे अलर्ट आएगा कि आने कचरे की गाड़ी आ रही है, आपका कचरा नीचे लेके आ जाओ। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी ने अपने जीने का जो तरीका है बहुत आसान चीजें कर दी है, और इसलिए हम यहां से अलग नहीं हो सकते। कैश यानी कि पूरा व्यवहार डिजिटल टेक्नोलॉजी से आने वाला है, कैश का ट्रांजेक्शन नहीं रहेगा। आज ही मैं पढ़ रहा था कुछ 500 करोड़ तक आने वाले दिनों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का व्यवहार है, वो जाने वाला है 8 नंबर के बाद, वो बहुत बड़ा पैसा। यानी कि ऐसा माना जाता था कि एक बार जमाने में पैसा कैश चाहिए मुझे 8 नंबर के बाद, मैंने बहुत सारे लेक्चर दिए उस पे, ब्लैक मनी के इशू पे। तो मैं उस बार हर बार ये करता, लोग बोलते हमारे खर्च के लिए पैसे नहीं, मतलब कहाँ पैसे नहीं, हम नहीं दे सकते। 10 लाख को भी आपको देने हैं आप तुरंत दे सकते हो, सिर्फ माध्यम बदल गया है। अभी आप सिर्फ बैंक से दे सकते हो। आपको पहले जो कैश अपने को अच्छा लगता था, पैसे किसे में है, उसके बदले कार्ड आ गया, उसके भी आगे कार्ड भी नहीं चलेगा, आपका अंगूठा आपका काम करेगा। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने अपना जो जीवन है वो बहुत सफल बनाने में ये टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो ये सारे चीजें है, ये अगर हम इससे अलग नहीं हो सकते, इसको जुड़ के ही अपने को भी उसका फायदा उठाना चाहिए। चाहे फिर हम पॉलिटिकल में काम करते हो, हम कॉर्पोरेट में काम करते हो, हम इंडस्ट्री में काम करते हो, या कहीं आगे जाके और कुछ करने का है, टेक्नोलॉजी अपने लिए है। सवाल ये है कि हम इस प्रकार का किस इसका फायदा उठा सके। मुझे लगता है मैं बहुत सारा बात मैंने की है, कुछ सवाल है, मैं लगभग 1 घंटा बात कर रहा हूं। कुछ आपके मन में सवाल है तो पूछेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर समारोह करेंगे। तो वन वे सारा कम्युनिकेशन कभी अच्छा नहीं होता, सवाल जवाब भी कुछ अच्छे होते हैं। कोई भी सवाल बिजनेस? यस सर, नाम आपका? कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछे। आपका सवाल सीधा मोदी जी ने वो उसको क्यों फॉलो कर रहा है, ये सवाल आपके मन में है? दूसरा बात मैं आ गया, मैं बताऊं, ऐसा है कि मैं किसी को फॉलो करता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसकी विचारधारा मैंने स्वीकार कर ली है। हो सकता है मैं राहुल गांधी को फॉलो करता हूं तो मैंने क्या, मैं केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को फॉलो करता हूं तो मैं क्या अरविंद केजरीवाल का फॉलोअर बन गया, उसकी विचारधारा मुझे मंजूर है? नहीं। तो ये पहले आपने दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि ये मैं किसी को फॉलो कर रहा हूं, इसका मतलब मैं किसी को उसकी विचारधारा मैंने स्वीकार कर ली। कम से कम मैं, यानी कि मैं आखिर हम टॉलरेंस किसको बोलते हैं? इनटॉलरेंस और टॉलरेंस की बहुत बड़ी चर्चा होती है। क्या महाराष्ट्र, आप कहां से? मुझे पता नहीं आप कहां से हैं। छत्तीसगढ़ से आप हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल ऐसी परंपरा है
कि हम हमारे नेता असेंबली में बहुत सारे झगड़े करते हैं, यानी अग्रेसिवली एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन अगर विकास का इशू है तो वो एक साथ भी आते हैं, एक अच्छी कल्चर है यहाँ। तो अगर हम एक दूसरे को फॉलो करो, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके विचारधारा स्वीकार कर ले, लेकिन हम कम से कम वो क्या सोच रहा है उस पर हम सम्मान तो कर रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल क्या सोचते हैं, ठीक है उनकी बात है, राहुल गांधी क्या वो मुझे स्वीकार नहीं है, मैं उनको स्वीकार नहीं करता, लेकिन इसका मतलब मैं उनको फॉलो ही ना करूं, ये कैसे होगा, ये गलत, ये भी सोचना गलत है इस प्रकार से। यस मैं बोलता हूँ, मुझे आपका सवाल आया समझ में, आप बैठे मैं बोलता हूँ। सवाल यह है, फिर एक बार एक्सप्रेस करने की हर एक की अपनी अपनी स्टाइल है। मैं अगर यहां समझू, मैंने कोई चीज यहां पानी का गिलास रखा है, ये मैं कहूंगा ये आधा गिलास भरा हुआ है, हो सकता है ये मैडम कहेंगे आधा गिलास खाली है, दोनों बराबर है, हम गलत नहीं है। और ये कंपल्सरी नहीं कर सकते कि आप ऐसा ही कहो कि आधा गिलास भरा, ऐसे आपको ऐसे मैं नहीं कह सकता। सोशल मीडिया से कॉमन मैन को, हर आदमी को अपना विचार अपने तरीके से रखने की एक प्लेटफॉर्म मिला है जो आज तक नहीं था। दूसरी बात, सोशल मीडिया इस वक्त एक ट्रांजेक्शन पीरियड में है। मैंने अभी इसके पहले भी हम बात कर रहे थे, संजय जी पीछे बैठे हुए, हम एक ट्रांजेक्शन पीरियड से जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है ट्रांजेक्शन पीरियड होने से अभी नया ये आया है, हर एक लोग यूज करने लगे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें जो भाषाओं का जिस प्रकार से एक अच्छी भाषा, मैंने जो अभी बात कही कि क्या हम उस प्रिकॉशन लेने चाहिए, उस प्रकार हर आदमी यूज करेगा ऐसा नहीं, लेकिन इसका मतलब किसी ने इस प्रकार की लैंग्वेज यूज की, गलत लैंग्वेज यूज की और उसको एक्स वाई जेड व्यक्ति फॉलो करता है, इसका मतलब ये नहीं हो, हमें भी इतनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि वो व्यक्ति ने वो विचार एक्सेप्ट की है। फॉलो करना बात अलग है और विचार एक्सेप्ट करना बात अलग है, ये दोनों चीजें अलग है। कोई और? यस, क्या कहे? हाँ, फ्रॉम उस्मानाबाद, बोला। नहीं कोई, हाँ, सोशल मीडिया में सबसे बड़ा ये काम है, मैंने वही बोला, बैक ऑफिस आप दो रखो, चार रखो, पांच रखो, इट्स नॉट रिलेटेड टू मैन पावर। आप किस प्रकार के आदमी रखते हो उस पर डिपेंड है। आप, मुझे पता नहीं आपको रिक्वायरमेंट क्या है, कि पहले सबसे पहली बात आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप पॉलिटिकल फील्ड में काम करते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, आप इंडस्ट्री में काम करते हो आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, आप कोई उद्योग से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट में रिलेटेड है तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। आपकी इमेज क्या बनाना है, उस प्रकार के आपको लोग चाहिए जो आपके लिए हो। मैं कितना भी चाहूं, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहती है और इतनी इंफॉर्मेशन आपके सामने रहती है, उसमें से सही क्या है, गलत क्या है, और मुझे फायदा, मुझे मेरी इमेज बिल्टअप करने के लिए जो चाहिए वो ढूंढने में मुझे जितने लोग लगेंगे उस पर डिपेंड सारा खेल है। फॉलोअर बढ़ाना, वो मार्केटिंग करना, गूगल से, ट्विटर से वो पैकेज लेना, वो टेक्निकल काम है, वो छोड़ दो, वो काम करेगी वो, उसके लिए कोई ये नहीं। मेरा सबसे ज्यादा आग्रह होता है कि आप कंटेंट क्या देते हो, और कंटेंट जब तक आप सही देते नहीं तब तक आप कुछ भी डालो वो आप चलने हिट नहीं होने वाले। और जो आदमी टेक्निकल चीजें नहीं करता, ये मार्केटिंग हम यो त्यों, आजकल ऐसे मराठी में आपको पता ही नहीं, पता आपको पता होगा शायद, दो तीन ऐसे एडिटर्स है, एक एडिटर अभी वो कहीं काम नहीं करते लेकिन वो ब्लॉग लिखते हैं, वो केवल ब्लॉग लिखने से हर महीने 50,000 से 1,00,000 रुपए कमाते हैं। उनका नाम है बहुत तोरसेकर, प्रवीण बर्दापुरकर, वो तो मराठवाड़ा के है। ऐसे ये लोग हैं जो ब्लॉग लिखने से उनको सोशल गूगल और यहां से, और लोग इतने पढ़ते हैं उनके, इतने फॉरवर्ड होते हैं उनके ब्लॉग, ये हर महीने, यानी कुछ नहीं काम करते वो,
दो तीन दिन में एक ब्लॉग लिखते हैं, उसके लिए रिसर्च करते हैं। शेफाली वैद्य एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है सोशल मीडिया में, लाखों उसके फॉलोअर है। लेकिन अगर वो चाहे तो वो सुबह खुद चार चार घंटा रिसर्च करते बैठते। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी मुझे कंटेंट के लिए मुझे कॉन्फिडेंस, मुझे क्या चाहिए, ये मैं कितना ही मेरा खुद का पीए हो या खुद भी पर्सन, वो समझ में आएगा इसकी गारंटी नहीं। तो सबसे पहली बात तो मुझे समय देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, मुझे अकेले पॉसिबल नहीं है कंटेंट सारा इकट्ठा करना, तो उसके लिए टीम अपने को बिल्टअप करनी पड़ेगी। और उस प्रकार से टीम, अगर मेरी रिक्वायरमेंट बहुत बार मुझे 6 महीने मेरे हाथ में है और मुझे ये टारगेट्स अचीव करना है, तो उस प्रकार से कम ज्यादा वो टारगेट बैक मशीन ये कर सकते हैं। लेकिन जिसको रिसर्च की अच्छी आदत है, ऐसे आदमी आपको बैक ऑफिस में लगेंगे, ये सबसे बात। नहीं तो कोई भी अच्छा एचआर है, बस जरा गूगल का ढूंढ दे, ये नहीं चलेगा। रिसर्च करने वाला जिसको प्रॉपर अच्छी आदत है, वो आदमी जिसको आजकल दिन में वो कंटेंट फीडर इसको बोला जाता है, और ये बहुत डिमांड की चीज है। लोगों के पास कंटेंट फीडर ही नहीं है, ये बहुत कंटेंट फीडर, उस प्रकार के लोग अपने को बैक ऑफिस में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। लोग आप अपनी इमेज बढ़ती है और फॉलोअर भी बढ़ते। यस हर चीज की न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर के दोनों फायदे, यानी कि फायदा और थोड़े दोनों लॉस है। कोई एक पूरा कोई देश आप पूरा ये कर सकते हो एक न्यूक्लियर बम डाला तो, और न्यूक्लियर पावर आपने यूज की तो बहुत ही अच्छी इस प्रकार से ग्रीन एनर्जी मानी जाती है, आपको भी पता है। सोशल मीडिया एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप पोस्ट करते हो वो पोस्ट करने के पहले 1 मिनट सोच लीजिए, आप जो भी पोस्ट करने जा रहे हैं वो आप सोशल मीडिया से डिलीट नहीं कर सकते। मैंने मेरे यहां से डिलीट कर दिया मतलब नहीं, वो कहीं ना कहीं टेल उसकी रहती है, किसी ने किसी स्क्रीनशॉट निकाले होते हैं। इसीलिए मैं जब पोस्ट कोई भी करने जाता हूं सोशल मीडिया पे, तो 1 मिनट पहले सोच लीजिए बटन दबाने से पहले कि मैं सही कर रहा हूं ना। और स्वाभाविक है, समाज है, समाज में अच्छे बुरे लोग होंगे ही, यानी कि जैसे अच्छे लोग है वैसे बुरे भी लोग है, जो आपके यानी कि ऐसे कोई चीजों का इंतजार करते बैठते हैं, जिनको इस प्रकार की कोई ना कोई आपत्ति खड़ी करनी है, वो लोग उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें उसके लिए प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ऐसे लोगों को संधि चांस ही ना मिले, अपॉर्चुनिटी ना मिले। इसलिए मैं पोस्ट, कोई भी पोस्ट करो आप, सिंपल गणेश फेस्टिवल की भी पोस्ट डालो, फिर भी पोस्ट करते समय आपके वर्डिंग सही है ना, उसमें से कोई दूसरा मीनिंग जाता नहीं ना। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मेरे दिमाग में कोई उस वर्ड का अलग रेफरेंस होता है, लेकिन सामने वाला अलग रेफरेंस से लेता है, तो वो भी आप सोच लो। क्योंकि एक बार 100 चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो या सोशल मीडिया पे आप ब्लॉग लिखते हो या कोई चीज करते हो, तो उसका टेल वो डिलीट नहीं होता, कहीं ना कहीं उसका टेल रहता है, उसका रेफरेंस रहता है। हाँ available there. We have 1,000 participants for the sports competition. We have to arrange them lunch or so I request you. So, अभी हम लंच को आएंगे। एक बजे ये लास्ट सवाल करके। हाँ, तो ये लास्ट सवाल करते हैं। अगर किसी को इम्पोर्टेंट सवाल है तो हम फेशियल से बाद में बात करेंगे। ला, यस। श्वेता? हाँ। बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा है कि कॉमन मैन को उसका वॉइस रखने के लिए अगर प्लेटफॉर्म मिलता है, तो हम बोले जाते थे ना कि यार हमारा कौन सुनता है, या हमारी कंप्लेंट थी ना सालों से कौन देखता है हमारी तरफ, या हमारी सालों से कंप्लेंट थी कि कॉमन मैन पॉलिटिकल लोग अपने तरीके से काम करते हैं, पॉलिटिकल लोग किसी को सुनती नहीं, लीडरशिप सुनते नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन
या प्रशासन जो होता है वो कोई किसी का सुनता नहीं, लेकिन जब हम ये कॉमन मैन कॉमन कॉज के लिए इश्यूज आवाज रेस करते हैं, अपना वॉइस रेस करते हैं, तो उसको सपोर्ट भी उस प्रकार से मिलता है। और सारे पिछले अगर 5-6 सालों में पूरे अलग अलग कंट्रीज में आपने देखे होंगे जो जो बड़े बड़े एजिटेशन खड़े हुए, यहाँ के अन्ना हजारे के आंदोलन लेके बाकी सारे एजिटेशन, वो सारे सोशल मीडिया ने क्रिएट किए हुए। इवन मुस्लिम कंट्रीज में भी ये हुआ है, जहां ऐसा माना ऑर्थोडॉक्स में माना जाता था कि मुस्लिम कंट्रीज एकदम बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज है, वहां किसी को वॉइस बोलने की जरूरत नहीं, वहां भी आंदोलन जो खड़े हुए वो भी सोशल मीडिया की वजह से खड़े हुए। तो ये आवाज उठाना अच्छी बात है, उसमें गलत मुझे लगता नहीं कोई। एक ट्रांजेक्शन पीरियड जरूर है सोशल मीडिया से, आपने जो बात मैंने कहा है कि इस प्रकार से भाषा का प्रभाव, गलत तरीके से कुछ चीजें करना, लेकिन वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा जैसे मैच्योर हम सब लोग मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ना चाहिए ये मुझे विश्वास है। एक एक लास्ट, एक एक, ओके ठीक है, लास्ट लास्ट। अगर अगर किसी आया सवाल समझ में आया, मैं जवाब देता हूं। ऐसा है कि सोशल मीडिया ये कोई किसी की मोनोपोली नहीं है। पेपर के बढ़े न्यूज़पेपर के बारे में ऐसा कहा जाता था कि न्यूज़पेपर जो उस विचारधारा, एक विचारधारा जो पेपर रखता है, उस विचारधारा में पेपर दूसरी विचारधारा को पेपर में चांस नहीं मिलता। तो एक विचार या कोई मैगजीन कोई भी आज तक ट्रेडिशनल ये फेयर क्यों हुए कि वो एक सेंसरशिप लेके बैठे थे कि हम जो चाहे वही हम दिखाएंगे, वही सच होगा, चाहे चैनल हो चाहे न्यूज़पेपर हो, जो हम बताएंगे हमारा है, हम बताएंगे वही सही है। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जहां सेंसरशिप नहीं है और मोनोपोली किसी की नहीं है। अगर आप कहते हैं, मुझे फैक्चुअली मालूम नहीं लेकिन मैं मानता हूं आपने कहा होगा, अगर आप कहते हो कि किसी पार्टी कोई वहां अच्छे काम हो रहे थे लेकिन वो नहीं दिखाए, मेरा कहना है कि वो क्यों नहीं दिखाए, उनको किसी ने रोका था? यानी कि वहां मैं ये पोस्ट करूं आप ये पोस्ट नहीं करना, ऐसा तो नहीं होता, नहीं तो नहीं हो सकता, ये तो खुला प्लेटफॉर्म है। तो स्वाभाविक है कि उस प्रकार से हमें भी मैच्योरली हम जो अपनी मन की भाषा है, भावना है, वो व्यक्त करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये कोई रिजर्व सेंसर और टाइम बंधन ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। जो भी इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहे वो कर सकता है, इट्स ओपन प्लेटफॉर्म। थैंक यू, धन्यवाद।